पानी भरने की बात को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना बस्सी थाना इलाके के लसाड़िया गांव की है, जहां एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के बीच लंबे समय से बिजली सप्लाई रोकने और पानी भरने साथ ही आपको बता दें जमीनी रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। शुक्रवार को अचानक दो पक्षों के बीच फिर पानी भरने को लेकर विवाद हो गया। आपसी कहासुनी के बीच दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे से मारपीट की गई। दोनों पक्षों के बीच हुए इस खूनी संघर्ष में करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस और निजी वाहनों के जरिए उप जिला अस्पताल बस्सी ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को SMS अस्पताल के लिए रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, तो वहीं इलाके में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। तो करीब आधा दर्जन लोग SMS अस्पताल रेफर किए गए हैं। दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया और खूनी संघर्ष दोनों के बीच में जारी हो गया और पानी भरने की बात को लेकर ये खूनी संघर्ष बताया जा रहा है। पूरा मामला जयपुर का बताया जा रहा है, जिसमें दो पक्ष जो है आमने सामने हो गए और इस खूनी संघर्ष में जो घायल हुए हैं उन्हें जयपुर के SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ चुके हैं। विवेक, चूंकि दो पक्षों में खूनी संघर्ष ये बताया जा रहा है, किस तरीके से मामला उभरा, किस तरीके से लड़ाई हुई और कितने लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जानना चाहूंगे। देखिए, राजधानी जयपुर के बस्सी इलाके की घटना है, जहाँ एक ही परिवार के कुछ सदस्यों के बीच पानी भरने की बात को लेकर विवाद हुआ। देखते ही देखते विवाद इस कदर बढ़ा कि खूनी संघर्ष जो है दोनों पक्षों के बीच हो गया। घटना बस्ती थाना इलाके की लसाड़िया गांव की है, जहां लंबे समय से एक ही परिवार के सदस्यों के बीच पानी और बिजली सप्लाई रोकने के साथ ही जमीनी रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था। एक बार फिर जो परिवार के सदस्यों के बीच पानी भरने को लेकर कहासुनी हुई और देखते ही देखते कहासुनी विवाद के बदल गई और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर जो मारपीट शुरू की और लाठी डंडों से भी एक दूसरे पर हमला किया। इस घटना में करीब एक दर्जन लोग जो है महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को बस्ती के पास सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां गंभीर स्थिति में घायलों को जयपुर के SMS अस्पताल में रेफर किया गया है। हालांकि फिलहाल सभी की हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। घटना के बाद पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता जो है वो मौके पर तैनात किया गया है, साथ ही पुलिस घायल है उनसे पूछताछ कर उस मामले की पड़ताल कर रही है। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।